स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ा झटका यहाँ पर राहुल गांधी को लगा है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी, उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई। राहुल गांधी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है और सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। तो बड़ी खबर, सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया, यानी कि राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हो रही है। एक और बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा है। तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। तो सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामने आ रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है, याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही कहीं ना कहीं उम्मीद थी राहुल गांधी को ऐसे याचिका पर सुनवाई होगी, लेकिन ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज की गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है और सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को चुनौती दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा, और अब जो ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, जहां मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज की गई है। इस याचिका के जरिए कहीं ना कहीं उम्मीदें राहुल गांधी को थी कि राहत मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। तो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज की गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। उसके बाद 25 मार्च को फिर से राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था और 27 मार्च को जो है राहुल गांधी का जो सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला था और 22 अप्रैल को राहुल गांधी का बंगला खाली कर दिया। ये सारी क्रम रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मामले में कांग्रेस का जो लीगल टीम है वो ये मान के चल रही थी कि गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन इसमें कोई राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि अब इस मामले में जो है जो भी फैसला सूरत कोर्ट की ओर से दिया गया था, सूरत की अदालत द्वारा दिया गया था, वो अब लागू है। आज की तारीख में सूरत की अदालत का फैसला लागू है, यानी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा के लिए अगर बात की जाए, अगर वो अपील नहीं करते हैं तो उनको सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस स्थितियाँ हैं, जो उनके पास एक चांस और है और वो से केवल हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर, तो वो क्या अब इस मामले में वो अपील दायर करते हैं, किस तरीके से उनकी सारी लीगल टीम जो है जानकारी देती है। लेकिन जो फिलहाल यही कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए भी, कि जो लगातार
या साथ ही अगले कुछ दिनों कुछ महीनों में जो है कई राज्यों के चुनाव में जा रही हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लेकिन चूंकि अब इस फैसले की सबसे बड़ी यही रहेगी नजीकत के राहुल गांधी जो हैं अब अपनी सदस्यता को बरकरार नहीं रख पाएंगे और साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लड़ने पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे। तो आज की जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे निश्चित। तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी ने बताया क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर देखने को मिला है और साथ ही क्या कुछ विकल्प रह जाता है। अगर हम इसका जिक्र करें तो कहीं ना कहीं अभी काले बादल राहुल पर छाए रहेंगे क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है, 2024 भी करीब है, उससे पहले एक बड़ा झटका मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा को लेकर ये जो याचिका है दाखिल की गई थी उनकी सदस्यता, अगर आज जो उम्मीद लगाई गई थी उस उम्मीद के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत मिलती तो कहीं ना कहीं सदस्यता बरकरार रहती, लेकिन बावजूद उसके अब राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। जारी थी हम सूरत की कोर्ट में गए और 2019 के बाद 2023 में जब दोनों पक्षकारों का एविडेंस रखा गया, दोनों पक्षकारों का विटनेस को तलाशा गया, दोनों पक्षकारों का सभी बात दोनों दलील होने के बाद जब फैसला आया तो श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। बाद में सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए गया, नहीं हुआ वहाँ, यहाँ भी आए थे, आज उसको भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट में। तो जब नामदार हाई कोर्ट का जब आता है तो फिर सब मैटर उससे बड़ी कोई बात नहीं है, ये अपनी कोई बात कर लेनी चाहिए। नामदार कोर्ट का जो भी फैसला है उसको स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस को राजकीय लड़ाई बता रही है, वो तो बताए उसको, तो जो ठीक लगे बताए, वो अपना मामला नहीं है, उसको पूछो। मतलब नहीं है हमारे साथ जिन्होंने ये केस किया था उनसे बात करने को, वो अपने फैसले में नजीर देता है उन फैसलों की जो देश में अलग अलग जगहों पे दर्ज हैं। तो दूसरी तरफ जो राहुल गांधी की ओर से जो आज अदालत में कहा गया था वो कि ये जो उनको उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि उनको जो दोषी ठहराए जाने का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है, दूसरी निचली अदालत का जो आदेश है वो उनको सर्वोत्तम सजा देता है, जबकि इस मामले में उनके समान उनकी वो गलतियाँ इतनी नहीं है, और साथ ही जो उन्होंने मोदी सरनेम यूज किया है वो एक पूरे समाज के लिए नहीं किया है। और जो दूसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु उनकी तरफ से उठाया गया था कि जो पुर्णेश मोदी जिस विधायक ने ये सवाल खड़ा किया है वो इसके हकदार नहीं है कि वो वाद दायर कर सके, लेकिन अदालत ने उनकी तकरीरों को या कि उनकी दलीलों को नहीं माना है और इसके साथ ही राहुल गांधी की जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज हो चुकी है। अब राहुल गांधी की दाल में काला है। गुजरात हाई कोर्ट से हमें इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो बिल्कुल फेयर और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फैसले देगा और राहुल गांधी जी उभर कर आएंगे, बिल्कुल बरी होंगे, निश्चित होंगे। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इस तरह के कभी पहले कोई उदाहरण नहीं है जो इस तरह का किसी के साथ हुआ हो। एक छोटी सी बात के लिए आप फैसले के ऊपर बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, आगे आने वाला समय ठीक नहीं है, और हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है कि वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, राहुल गांधी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आप राहुल गांधी के समर्थकों को सुन रहे थे यहाँ पर, जो उनके पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी लगातार इंतजार कर रहे थे या फिर ये कहे कि उम्मीद लगाए बैठे थे, टकटकी लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। एक बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी को।